हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी एम्बोस प्रिंटिंग की टी शर्ट। जी हाँ, मार्केट में हम अक्सर देखते हैं कि हमें 3D प्रिंट की टी शर्ट्स मिल जाती हैं और वो हमें बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप उसे घर में कैसे बनाते हैं, घर में हम कैसे बना सकते हैं, या फिर हमारे पास कैसे प्लेन टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं और हम उसे पहनते पहनते बहुत बोर हो गए हैं, तो उसे हम न्यू लुक कैसे दे सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, तो आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिया है एक पफ मीडियम। ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा और ये बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। ठीक है, और ये लिया है मैंने ब्रश और एक स्टेंसिल ली है। अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप अपने मन मुताबिक कोई भी डिज़ाइन टी शर्ट पे बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसे अप्लाई करना, इस बॉटल पे सारे इसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगी। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं अपने टी शर्ट पे या फिर किसी भी चीज़ पे हमने डिज़ाइन बनाई और वहाँ पे डिज़ाइन एरिया में पफी मीडियम को अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद उसे 12 आवर्स के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसकी दूसरी साइड से हम उसमें आयरन करते हैं, जिसकी वजह से हीट पाकर हमारी जो मीडियम का जहाँ पे जिस एरिया में हमने मीडियम को अप्लाई किया था, वो मीडियम में थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो बस उसे 12 आर के लिए हमें छोड़ना है मीडियम को अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद हमें सिंपली बहुत आराम से उस पर आयरन करना है बैक साइड में, और हमारी ड्रेस, हमारी डिज़ाइन, हमारी टी शर्ट जो भी हम बना रहे हैं वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे कैसे अप्लाई करते हैं हम, आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट करें। अगर किसी टॉपिक पे आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
इसमें कितना अच्छा एम्बोस प्रिंटिंग का इफ़ेक्ट आया है। अब हम इसे आउटलाइन करेंगे ब्लैक फैब्रिक कलर से, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये टी शर्ट का फाइनल लुक कैसे है।